कोई महान व्यक्ति ने कहा है, जो स्वयं में प्रसन्न है वो दूसरों को भी प्रसन्न रख सकता है। मनुष्य मात्र अपने सौभाग्य और दुर्भाग्य की जिम्मेदारी स्वयं होता है। कैसे बन जाते हैं हम दुर्भाग्यशाली? जब हम सौभाग्यशाली की समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से भरते हैं, तब हम दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। जब हम किसी भी सौभाग्यशाली के यश कृति को सुनकर ईर्ष्या से भर जाते हैं, तब हम दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। यदि किसी भी सौभाग्यशाली की जिस समृद्धि, जिस यश कृति, जिस कला, जिस गुणवत्ता की हमारे मन में वाव भावना जगती है, अरे वाह, धन्य है, बहुत पवित्र है, ये व्यक्ति, उसकी कला बेजोर है, इसका विनय अप्रतिम है। जब हम किसी के सौभाग्यों की प्रशंसा से अपने हृदय को भरते हैं और वो प्रशंसा सद्भावना युक्त हो, वो तारीफ प्रेम पूर्ण हो, वो प्रशंसा आनंदमय हो, आनंदमय भावों से हम प्रशंसा से भरते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा सौभाग्य जागना शुरू हो जाता है और हमारे दुर्भाग्यों के दिन समाप्त होने लग जाते हैं। आइए देखें, हम अपनी जिंदगी में जाके, अपनी गिरवान में जाके, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हाँ, कर पाते हैं और नहीं भी कर पाते हैं। कर पाते हैं उन लोगों के प्रति जो बीत चुके हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनके जयकार लगा देते हैं। हम सब इन सब के जयकार लगा सकते हैं जो हमारी जिंदगी से दूर जा चुके हैं, जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, हम उनकी प्रशंसा कर पाते हैं। आज वर्तमान में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे मिलियनेयर हैं, हम उनकी भी प्रशंसा कर सकते हैं। किसी ने यश पाया, उसकी भी प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे सगे संबंधी ने यश पा ली हो, सौभाग्य पा ली हो, समृद्धि पा ली हो, हमारी सगे संबंधी कोई महान विद्वान हो, गुणवान हो, कलाकार हो, विनयवान हो, उसकी प्रशंसा करने में बहुत मुश्किल होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि अपने निकट का आदमी अपने से आगे बढ़ जाए, यो देख कर के मन का खुश होना बहुत कम लोगों के साथ होता है। प्राय लोग दूसरों के भाइयों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, अपने भाइयों की प्रशंसा नहीं कर पाते। किसी और ने कुछ इकट्ठा किया, कुछ कमाया, कुछ बेजोर काम किया, कुछ नाम कमाया, उस सब की प्रशंसा कर सकते हैं, पर मेरे पड़ोसी ने किया, मेरे रिश्तेदार ने किया, मेरे करीबी मित्र ने किया, तब कोई लोग खुश होते हैं तो कोई लोग खुश नहीं भी होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अपनों की कमी हमें ही दिखाई देती है, हम उनके साथ रहते हैं, इसलिए हमें पता होता है। किसी पर्दे पर देखकर किसी भी अभिनेता की प्रशंसा करना बहुत आसान है, परंतु तुम्हारे घर में अगर कोई अभिनेता हो और उसकी प्रशंसा करनी हो, तो तुम कहोगे कि क्या है, इतनी सोता रहता है, ये खुद का कुछ काम नहीं करता है, इसको जरा सी व्यवहारिक नहीं होता है, खाली बस ये नाटक कर देता है। अब देखो, जब अपना घर का करीबी व्यक्ति कलाकार होता है, तब हमें उसकी कमियां नजर आती है, उसकी प्रशंसा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हम उसकी कमियों को बड़ा सरा के बता देते हैं और उसके गुणों के प्रति कहीं ना कहीं अपेक्षा भाव रखने लग जाते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, अथवा हल्की फुल्की प्रशंसा करके कहते हैं, जलना तो हमें पड़ता है, पीछे का काम सब हमें ही संभालना पड़ता है। और इसी तरह से हम अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं और दूसरों की कमियों को देखा कर दूसरों की प्रशंसा में बढ़ती सरती न रख करके कहीं ना कहीं हम अपनों की उसकी अपेक्षा जिंदगी में कांटे बो लेते हैं। पर ऐसा चलता आ रहा है सदियों से। थोड़े लोग समझते हैं, निकट का हो या दूर का हो, व्यक्ति कोई भी हो, उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। वो अपना हो या अपना ना हो, उसके सौंदर्यों की, उसके दुर्भाग्यों की, उसके कर्मत्ता की, उसके पुरुषार्थ की हमारे मन में सद्भावना होनी चाहिए।
उसके प्रति हमारे मन में कभी किसी भी तरह का ईर्ष्या, तुलना, चुगली, निंदा ऐसे विचार नहीं होनी चाहिए, परंतु प्राय ऐसी ही होता है ना। हम दुर्भाग्यशाली क्यों रह जाते हैं? उन कारणों को खोजेंगे तो पता लगेगा कि हम कोई बार दूसरों के साथ अपनी तुलना करते ही चले जाते हैं, और तब उस तुलना में हमारे मन में कोई बार दूसरों के प्रति डस्ट इकट्ठा होने लगता है और वो डस्ट हमें दुर्भाग्यों की ओर ले जाता है। इसीलिए सतने की आवश्यकता है, कदम कदम पर संभालने की आवश्यकता है। प्राय हम अपने सगे संबंधियों की सहायता नहीं कर पाते हैं, उनके सद्गुणों के प्रकाशित नहीं होने देते हैं, और तब हम अपने ही परिवार के लोगों का दुर्भाग्यों का कारण बन जाते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी को प्रकाशित होने से रुकने में कारण बनता है, वो व्यक्ति अपने लिए दुर्भाग्यों का जनक हो जाता है, दुर्भाग्यों को पैदा कर देता है। इसलिए आओ अपने ध्यानों को जरा अपनी ओर ले आओ और अपने भीतर झांके और देखें कि सौभाग्य और दुर्भाग्यों की रचना हम कब कब कैसे कैसे किस किस तरह से कर रहे हैं, और हमें कैसे अपने आप को बदलना है। बदलने की आवश्यकता है तो देरी ना करें, यही सबसे उत्तम क्षण है, उत्तम अवसर है कि हम खुद को जान पा रहे हैं और हमें खुद को समझने के लिए बुद्धि मिल रही है। और भगवान महावीर का वचन है, सूत्र कथन सूत्र में एक कथा आती है कि शंभु ही पलोपेश्य दुर्लभ, ये संबंधी जो आज मिली है वो आगे भी मिलेगी, ये दुर्लभ बात है। अगर आज इसका सम्मान नहीं किया तो ये आगे मिलने वाला नहीं। अपने परिवारजनों, पुत्र पुत्रियां, भाई बहनों, सहपतियों एवं सहकर्मियों, यहाँ तक कि अल्पकाल में साथ रहने वाले सहयात्रियों के किसी विचार, किसी कृत्य, किसी भावना अथवा किसी दृष्टिकोण की जब हम प्रशंसा करते हैं तो हमारे स्वयं के भीतर एक सकारात्मक भाव भी जागृत होता है कि हम भी इसी प्रकार की सोच रखें और ऐसे ही करें। आप जब चाहें तब इस भावना या वास्तविकता का परिवर्तन कर ले। सामने वाले के अच्छे कृत्य और उपलब्धि को देखकर या सुनकर वैसा ही करने का भाव प्रत्येक विवेकशील के भीतर उत्पन्न होते हैं, लेकिन यो तात्कालिक होता है। जो इसे आत्मसात कर लेते हैं और सुनिश्चित तौर पर सफलता की नए उत्साह होते हैं। सफलता व्यक्तियों की साक्षात्कार हमें इसी भाव के तहत प्रेरणा देते हैं। महापुरुष की जीवनियों और आत्मकथाओं से हमें उन जैसा ही बनने की प्रेरणा मिलती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यही भाव हम अपने निकट संबंधियों, इष्ट मित्रों एवं सहकर्मियों के प्रति भी उत्पन्न करें, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, फिर देखें कि ये छोटी छोटी प्रशंसाएं किस प्रकार उन्हें बड़ी उपलब्धियों हासिल करने के लिए सक्षम बनाती हैं।